हेलो एवरीवन, मैं पूनम रेखी ज्ञान मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी उदासी को बिल्कुल कम कर सकता है। जी हाँ, एक ऐसी मुद्रा, अगर आप उदास रहते हो, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, अगर आप चिंताओं से घिरे हुए हो या आपको किसी चीज़ का डर है, और साथ साथ में अगर आप अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो, तो ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपको इन हर चीज़ से छुटकारा दिला सकती है। अगर आप दुख की स्थिति में हो तो आपको उससे भी बाहर निकाल सकती है, क्योंकि मुद्रा एक खुशी का ऐसा भाव है जो खुशी और उत्साह उत्पन्न करता है। अब जो हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है। अब जो हमारा हाथ जो है वो भी हमारे 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हाथ की हर एक उंगली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जब हम अपने हाथ की उंगली को इस थंब से टच करते हैं तो एक मैग्नेटिक पावर रिलीज होती है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती है और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ करती है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर ये 5 एलिमेंट हैं, अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जो हमारे 5 एलिमेंट हैं ये बैलेंस हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार भारत में कहा गया है कि अगर हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस हैं, जो हमारी मुद्रा है एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे कफ, पित्त और वात को बैलेंस करती है, और मुद्राओं के द्वारा हम अपने इन 5 एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं इजीली। अब जो हमारे हाथ एक ऐसी औषधि है जिसको हम डेली नियमित रूप से मुद्राओं की प्रैक्टिस करके पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही मुद्रा के बारे में बताऊंगी जो आपकी उदासी को बिल्कुल दूर कर सकती है। जी हाँ, इस मुद्रा का नाम है तसे मुद्रा। इस मुद्रा को हम आदि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, बिल्कुल अपनी जो स्पाइनल स्ट्रेट रखनी है, और आपको जो है अपने हाथों को ऐसे देखना है। अपने हाथों को आप देखते हुए जो आपका थंब है, आपको अपनी जो लिटिल फिंगर है उसके बेस आपके आधार पे यहाँ पे लगाना है दोनों हाथों को, और फिर जो आपकी 4 फिंगर जो आपकी ये बची हुई हैं इनको आपको ऐसे ऊपर से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये आपकी मुद्रा बन जाएगी, ये रेडी है। अब इसे आपको ऐसे रख के बिल्कुल स्ट्रेट आंखें बंद करके आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। जैसे आप अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे तो 7 बार आपको ओम मंत्र का जाप करना है। जब 7 बार ओम मंत्र का जाप करने के बाद आप फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि जिस कारण से भी आपको उदासी थी या आपको डिप्रेशन था या कोई भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है। जब आप डेली इसको करते हैं तो जो आपकी उदासी है वो खत्म हो जाती है, जो आपका वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आपका तनाव कम हो जाता है, और साथ साथ में जिस इच्छा की पूर्ति आप करना चाहते हो वो इच्छा की पूर्ति इजी होना शुरू हो जाती है। पर इसमें आपको ध्यान रखना कि कभी भी आप भरे पेट मुद्राओं को ना करें, खाली पेट या खाना खाने से पहले आपको मुद्रा करनी होती है। और आप जो मुद्रा, ये मिनिमम इसका जो टाइम है 5 मिनट है और मैक्सिमम 45 मिनट, यानी 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में आप इन मुद्राओं को कर सकते हो। बट अगर आप एक टाइम में 45 मिनट नहीं कर सकते तो इस टाइम को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम आप 10-10 मिनट इनको कर सकते हो, जिससे आपको ये पूरा वही रिजल्ट देती हैं। जब आप इन मुद्राओं को करते हो तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है, और जो आपके एलिमेंट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी के सारे एलिमेंट बैलेंस होंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होगे, आपका वात, पित्त और कफ सब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और जो आपकी बॉडी बैलेंस होगी तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तो ये एक ऐसी मुद्रा है, अगर आप उदास हो तो जरूर इसको करके देखें, जिससे आपकी उदासी भी दूर होगी और जो भी इच्छा आप चाहते हो वो आपकी इजीली पूरी होगी, आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। अगर आप डर में जी रहे हैं, आपको किसी चीज की दुख है, ऐसे परेशानी है, तो चीजें आपकी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप इसको करके देखिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।